नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अवस्थी और आज के हमारे इस प्री वेडिंग के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि सर ओरिजिनल प्री वेडिंग शूट के ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाइए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि यार ओरिजिनल प्री वेडिंग शूट पे ट्यूटोरियल बनाना इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता था अभी तक क्योंकि क्लाइंट्स हमें परमिशन नहीं दे पाते थे। तो आज हमारे जो स्पेशल क्लाइंट हैं जिनसे मैं आपको मिलाता हूं, वो उन्होंने परमिशन दी कि हाँ भाई आप बिल्कुल एक प्री वेडिंग के ऊपर ट्यूटोरियल बनाइए। तो आइए मैं सबसे पहले उनसे आपको मिलाता हूं कि हमारे जो क्यूट से कपल हैं, तो हमारे जो कपल हैं उनमें लकी भाई हैं और नेहा जी हैं। तो इनका हम प्री वेडिंग शूट आज कर रहे हैं और हमने बहुत सारा शूट ऑलरेडी कर दिया और हमने स्पेशली रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देखना चाहते हैं कि प्री वेडिंग में फ़ोटोशूट किस तरीके से करते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम आपको ये लाइव सेशन दिखा रहे हैं। तो आज इसी बात पे हम आपको आज का ये लाइव शूट सीज़न दिखा रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम एक सिल्वेट शॉट लेते हैं, किस तरीके से हम ये बैकड्रॉप यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम बैकड्रॉप को थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाते हैं, किस तरीके से हम हेयर लाइट्स यूज़ करते हैं और कैसे कैसे हम फ्रेमिंग करते हैं। तो आइए इसी टॉपिक पे हम फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज जो प्री वेडिंग शूट है और ओवरऑल यहाँ का जो लोकेशन है बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ पत्थर से बनी दीवारें हैं और एक प्यारा सा आर्क हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमारे जो कपल हैं, मैं चाहूँगा कि मैं इनका एक सिल्वेट शॉट लूँ। तो सिल्वेट शॉट लेने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से सिल्वेट शॉट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि भाई कैमरा जो है वो मैं 5D मार्क 4 यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ लेंस जो है वो मेरा प्राइम लेंस है 50mm 1.8 का। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सेटिंग बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे क्लाइंट की तरफ कि तो अगर आप यहाँ पे देखें कि एक ये जो माहौल है यहाँ पे अंदर थोड़ा डार्क है और बाहर का जो एटमॉस्फियर है वो ब्राइट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इनका एक लविंग पोज बना रहा हूँ। थोड़ा सा लिखेश्वर भाई आप थोड़ा सा क्लोज आइए, लकी भाई हाँ ठीक है ओके, और आपका फोरहेड और नेहा जी का फोरहेड टिकाइए ऐसा, हाँ ठीक है नेहा जी ओके राइट फाइन एकदम सही है, हाँ एकदम सही है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने सेटिंग क्या की है, मैंने अपर्चर बढ़ा दिया है जिससे मेरा जो इमेज है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा और मैं थोड़ा लोअर एंगल शॉट लूँगा ताकि ये जो आर्क है ये भी डार्क हो जाए और इन ये भी थोड़े से हमारे जो कपल हैं वो भी थोड़े डार्क हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मुझे एक बहुत अच्छा शॉट ऑलरेडी मिल गया है। अब यहाँ से मैं सेकेंड एक दो शॉट सेफ जोन के लिए और शूट कर लेता हूँ। मैं इसी फ़ोटोज़ के कुछ क्लोज शॉट भी शूट करूँगा ताकि मुझे अगर ये आर्क यूज़ ना करना हो तो भी मैं इस तरीके से शॉट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपर्चर जो रखा है वो F8 का है दोस्तों और शटर स्पीड मैंने 200 की रखी है और अगर मैं ISO की बात करूँ तो ISO मैंने रखा हुआ है 160 का। तो इस तरीके से बहुत सारे आप सिल्वेट शॉट भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास 35mm का लेंस होता तो ये शॉट और भी ज़्यादा ड्रामेटिक आता, या फिर मैं एक काम करता हूँ आपको 11-16mm से शॉट लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देवानंद जी ने मुझे दे दिया है 11-16mm टोकिना का लेंस और मैंने 11-16mm टोकिना का लेंस यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि इसका जो आर्क है वो और भी बेटर तरीके से यूज़ हो सकता है। फिलहाल अब मैं यहाँ से एक लो एंगल शॉट फिर से लूँगा और सेटिंग मेरी वही है ओके वेल डन। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छा शॉट मुझे मिल गया, थोड़ा सा आप एक दूसरे को देखिए वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पे आपने शॉट देखा और आई होप आपको ये जो सिल्वेट का फंडा होगा वो समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम हमारे सेकंड शॉट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों शॉट नंबर 2 जो है वो है यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे से यहाँ पे गेट्स हैं और इनको हम फ्रेमिंग के जैसे यूज़ करेंगे। इन्हें हम एक डच एंगल शॉट लेंगे, यानी कि इसे मैं सीधा सीधा नहीं लूँगा, थोड़ा सा मैं कैमरे को इस तरीके से टिल्ट करके शूट करूँगा जिससे ये जो फ्रेम है ये काफ़ी ड्रामेटिक दिखेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अभी जो मेरे कैमरे की सेटिंग है वो है शटर स्पीड रखी है मैंने 200 की, अपर्चर रखा है मैंने 2.8 का
और ISO मैंने 500 का रखा हुआ है और वाइट बैलेंस मैंने ऑटो रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ हम ये एक छोटी सी LED लाइट है जो आप इजी वे पे देखते हैं वो यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे इसके अलावा हम कुछ भी और यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे कपल भी रेडी हैं। आर यू रेडी? ओके, तो हमारे कपल रेडी हैं। यहाँ से आपको मैं दिखाऊँ कि इधर आना एक मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने टॉप से एक LED लाइट दी हुई है ताकि इधर का इनका जो शेडो वाला हिस्सा है वो आसानी से कट जाता है। और ये एक मिनट लाइट बंद करना। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लाइट यहाँ पे बंद कर देते हैं तो एक साइड से बहुत सारे बैड शेडोज़ दिखते हैं। अगर एक गुड शेडो होते तो मैं शेडो के साथ ही खींचता, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इनका ये वाला पार्ट है इसमें भी बहुत सारे शेडोज़ हैं। तो उसको कट करने के लिए या तो मैं रिफ्लेक्टर यूज़ कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे मेरे पास LED की सुविधा है तो मैं LED यूज़ कर रहा हूँ। तो आइए LED आप ऑन कर लीजिए देवानंद जी। तो यहाँ पर देवानंद ने LED ऑन कर लिया। अब यहाँ पर मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके देखता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डच शॉट लूँगा। तो ये डच शॉट मैंने लिया और फोटो काफ़ी अच्छी आई। थोड़ा सा क्लोज जाएंगे। हाँ देवरन, थोड़ा LED क्लोज से देना। ओके फाइन। तो यहाँ पे मैं इस तरीके की कुछ फ्रेमिंग ले सकता हूँ या फिर अगर आप फुल लेंथ में स्ट्रेट फ्रेमिंग भी लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। लकी थोड़ा क्लोज जाइएगा। ओके फाइन। नया जी यहाँ देखिए स्माइल, अ बिग स्माइल। फाइन, बहुत अच्छा। यहाँ देखिए बहुत बढ़िया। एक बार और, एक शूट और। स्माइल, बड़ी स्माइल। फाइन। तो यहाँ पे मैंने कुछ अच्छे शॉट्स आपको लेके दिखाए ऑलरेडी। एक मैं थोड़ा वाइड एंगल शॉट और लेता हूँ। थोड़ा सा आप दोनों सेंटर पे आ जाइए, सेंटर पे आइए। ओके फाइन। तो यहाँ पे मैंने इनके सेंटर वाले शॉट ले लिए। इसे भी मैं ये जो लाइन्स हैं यहाँ पे जो लाइन्स हैं ये जो पैटर्न्स हैं इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये जो पैटर्न है काफ़ी अच्छे तरीके से हमें दिखाई देंगे। तो इस तरीके से अगर मैं एक स्टेप और बैक जाऊं, यानी कि मैं थोड़ा सा और पीछे आता हूं, तो ये जो पैटर्न है ये ज़्यादा अच्छे हमें दिखाई देंगे। मैं थोड़ा सा लो एंगल से शूट करूंगा। ओके वेरी गुड। तो ये था दोस्तों हमारा शूट नंबर 2। आप प्रीवेडिंग में जब भी जाएं तो आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि एक ही तरीके एक ही जगह को आप कितने अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये 2 अलग अलग फंडे आपको बताए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम तीसरा तरीका किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो दोस्तों शॉट नंबर 3 जो है वो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट शॉट है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने इस लोकेशन को काफ़ी अच्छे से तरीके से यूज़ कर लिया है। अब हम चाहते हैं इसमें थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट किया जाए। तो ड्रामा क्रिएट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फिलहाल 11-16 mm का लेंस, एक आपका LED लाइट, और अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक गोडॉक्स की V860 फ्लैश। साथ ही साथ हम यूज़ कर रहे हैं इसमें एक मैगमोड यूज़ कर रहे हैं। और मैगमोड में अपन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का जेल, जिससे हम थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और आई होप आप भी इससे काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले हम आपको सेटअप दिखाऊं कि यहाँ पे मेरे साथ हैं गजेन भाई। तो गजेन भाई आप ये जो फ्लैश है इसे बैक में ही मारिएगा, मतलब इन कपल की तरफ नहीं मारना, आपको ये बैक वॉल पे मारना है, ठीक है? तो ये गजेन भाई हमारा ये जो फ्लैश है ये बैक वॉल पे जाएंगे। तो दोस्तों सारा कुछ सेटअप रेडी हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे क्लाइंट या हमारे जो कपल हैं क्यूट से वो बहुत अच्छे से पोजिंग में ऑलरेडी आ गए। इनका पोजिंग अगर आप देखें तो सिंपल वे पे हमने तो इनको फ्रंट टू फ्रंट खड़े किया हुआ है और साथ ही साथ इनका जो फेस है वो एक दूसरे को देखेंगे हमारे साइड, यानी कि कैमरे के साइड इनका इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा ताकि इनके एक्सप्रेशन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। साथ ही आप देख सकते हैं ये जो आर्क बना हुआ है इसे मैं यूज़ करूँगा। और इसे यूज़ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 11 और 16 mm का एक लेंस यूज़ कर रहा हूँ जिसे मैं 16 mm में यूज़ करूँगा। ये एक क्रॉप सेंसर का लेंस है जो मैं फुल फ्रेम में सेंसर में यूज़ कर रहा हूँ, बट मुझे ये फिलहाल काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो मैं यहाँ से एक थोड़ा सा लो एंगल शॉट लूँगा ताकि ये आर्क बहुत अच्छे से आए और यहाँ से ठीक मेरे ऊपर से, यानी कि एक बटरफ्लाई लाइट जैसा, यहाँ से देवानंद भाई से लाइट लूँगा। तो ये एक शॉट मैं ले कर देखता हूँ। थोड़ा क्लोज आएंगे। फाइन। नया जी स्माइल हल्की सी। ओके तो ये फ़ोटो तो बहुत अच्छी आई है। मैं एक दो फोटोज और ले लेता हूँ थोड़े लो एंगल से। दोस्तों कभी भी आप फ़ोटो शूट करें तो कम से कम 2-3 फ़ोटो एक्स्ट्रा ज़रूर ले लें क्योंकि कई बार एक्सप्रेशन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। थोड़ा क्लोज आइए प्लीज़। वेरी गुड।
तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि हमने किस तरीके से तीन बेस्ट शूट किए प्रीवेडिंग के, और आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे क्यूट से क्लाइंट्स को, क्योंकि उनके कारण ही आप आज का ये एपिसोड देख पाए हैं। फिलहाल अगर आपको इस एपिसोड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो फटाफट लाइक ठोक के काले बटन को नीला कर दीजिए और फटाफट अच्छे से कमेंट कर दीजिए। हमारे इतने सारे ट्यूटोरियल्स को आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।